जय वसुंधरा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, संपन्न और खुश होंगे। भगवान भोलेनाथ और नंदी भक्त और भगवान का एक अनोखा और सर्वोत्तम उदाहरण है। नंदी, जिन्हें खुद शिव जी ने अपने 60,000 गणों का अधिपति, उनका प्रमुख बनाया है। अब अगर अपने सभी गणों का अधिपति शिव जी ने नंदी को बनाया है, तो कुछ तो विशेष होगा ही नंदी में। नंदी शिव जी के सबसे प्रिय गण हैं, और इसीलिए प्रिय भक्त नंदी की बात भोलेनाथ बड़ी सरलता से मान जाते हैं। नंदी को शिव जी ने अपने परिवार में भी स्थान दिया है। नंदी शिव परिवार का एक अभिन्न सदस्य है, और वह हमेशा अपना मुख शिव जी की ओर रखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि शिव जी के पास ही विराजमान नंदी की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। इसका अर्थ यह है कि नंदी सदैव इस बात की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब उनके प्रभु भोले भंडारी समाधि से लौटें और वो उनकी सेवा में सबसे पहले प्रस्तुत हो जाएं। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव घोर तपस्वी हैं, और इसीलिए वो एक लंबे समय के लिए समाधि में लीन रहते हैं, और शिव जी की तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, इसीलिए नंदी खुली आँखों और खुले कान से शिव जी के सेवा में तत्पर रहते हैं, और भगवान शिव की समाधि में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी उनके प्रहरी का कार्य करते हैं। और यही कारण है कि भक्तों को अपनी समस्या शिव जी से पहले नंदी को बतानी चाहिए। तो आप जब भी शिवालय जाएं, सबसे पहले नंदी के एक सींग पर सबसे छोटी उंगली और दूसरे सींग पर अंगूठे के पास वाली उंगली को रखकर उसके बीच में से शिव जी का दर्शन करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। ऐसी मान्यता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए नंदी को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। शिव पूजन के बाद नंदी के समक्ष दिया जलाएं, उन्हें दूर्वा, फूलों की माला और फल चढ़ाएं। ध्यान रखें, नंदी का पूजन उनके मुख के आगे खड़े होकर ना करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिव जी और नंदी के बीच कोई नहीं आ सकता। अब अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोलने से पहले शिव जी के समक्ष 3 बार ताली बजाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। तत्पुरुषाय विघ्नहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यदि इस मंत्र के साथ आप अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोलते हैं, तो यह जरूर पूरी होती है। यह उपाय यदि आप शिवरात्रि को करें तो अधिक फलदायी होगा। इस दिन शिव जी का दूध, दही, घी, शहद, बिल्व पत्र, पुष्प आदि से पूजन करें और उन्हें फल इत्यादि का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि जब भी शिव जी अपनी समाधि, अपनी तपस्या से बाहर आते हैं, नंदी भक्तों की सारी मनोकामनाएं, उनकी सारी परेशानियां शिव जी को बताते हैं। ध्यान दें, जब भी आप पूजन के पश्चात मंदिर के बाहर आएं, तो नंदी की पूंछ को अवश्य नमन करें और इसके बाद ही मंदिर से विदा लें। तो ये तो थी एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही अगली जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारा पेज फेसबुक पर देख रहे हैं, तो इसे लाइक, शेयर और फॉलो करें।